पूजा पर खोल स्कूल आसंता 21 तारीख में एकादश श्रेणी और 25 खोल अष्टम श्रेणी ऑफलाइन रे अष्टम और एकादश श्रेणी पाठपठ आरंभ हो इने विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री समीर रंजन दास सूचना देते पूजा छुट्टी पर यह दुईट श्रेणी खोल लगी आनुषंगिक प्रस्तुति करने को आसंता काली विभाग पक्षर डीओ और बीओ को नहीं बैठक मध्यम निर्देश दिया मंत्री कहते पूर्व ऑफलाइन रे नवम दशम और द्वादश श्रेणी पाठपढ़ा चली प्रथम सप्तम श्रेणी खोल को नहीं परवर्त पर्यायर निष्पत्ति सूचना देखते गणशिक्षा मंत्री समीर रंजन दास स्कूल खोलने राज्य सरकार विभाग निष्पत्ति नहीं मुख्यमंत्री निर्देश में आसंता 21 तारिख में क्लास 11th खोल स्थिर एवं आसंता 25 तारिख में क्लास 8th खोल स्थिर कर संपर्क में कल 16 तारिख दिन आसंता का डीओ मान को से अनुसार निर्देश जीव कल डीओ मान एक बैठक करदेश किपर भाव कैंपस को रेडी रखिए सफा सफी रखिए क्लास तो चली जेनराली कैंपस सफा अच्छी सत्वे जेहेतु 11th एवं 8th खोला हाँपी 21 एवं 25 तारिख जो धार्य है समस्त प्रकार प्रस्तुति आरंभ करेंगे गत काली आसंता काली से अनुसार डीओ मान को निर्देश दिया दिज्व किए कहे हिंदू मौलवादी संगठन तो किए कहे मुस्लिम विरोधी केतेबेले पुणी गांधीजी हत्या अभियोग लगाई दिया जाए प्रतिबंधक किंतु बहु बाधा विघ्न को अतिक्रम कर भारत को परम वैभवशाली करिवार संकल्प नहीं आग को बढ़ी चले संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 96 वर्ष तले आज पवित्र विजयादशमी तिथि डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार संघ रूपी जो बीज रोपण करते आज महाद्रुम परिणत हो विश्वर सबुठू बड़ राष्ट्रवादी और सांस्कृतिक संगठन पलटि आरएसएस भारत को विश्वगुरु बनाइबार निज लक्ष्य पथे आगे चली संघ भारत के साथ संपूर्ण मानवता की परस्पर आत्मीयता सदा के लिए अभिन्न रूप से जुड़ी है उस भारत को उस परंपरा को संस्कृति को समाज को सर्वांग सुंदर रूप से सबल होकर खड़ा होना पड़ेगा हम सबको हिंदू के नाते व्यक्तिगत स्तर पर बल साहस तितिक्षा धैर्य ओज शारीरिक मानसिक बौद्धिक तीनों प्रकार का इसकी साधना करनी होगी समाज के नाते सारी बातों का उपाय करने के लिए सामूहिक कार्य करने का अभ्यास करना होगा सामूहिकता से चलने की स्वभाव में आदत डालनी पड़ेगी यह बल किसी की विरोध और प्रतिक्रिया में नहीं है हमारी फूट के चलते हमको तोड़कर अपने स्वार्थ के उल्लू सीधा करने के लिए सब लोग ताक पर है इसको समझते हुए और ये हमारा स्वभाव होना चाहिए हिंदू के नाते संगठित रहना बल संपन्न रहना संपूर्ण मानवता के लिए अपने बल का उपयोग करना ये कर्तव्य निर्वाह करने के लिए ऐसे हिंदू समाज को खड़ा होना पड़ेगा क्योंकि जागरूक संगठित बल संपन्न और सक्रिय हिंदू समाज ही सब समस्याओं का समाधान है यही काम तो हम करते हैं भारत के ओर से भारत की जो प्रगति है उससे विकास की अपेक्षा भारतीयों की जैसी भारत से है वैसे संपूर्ण विश्व की अपेक्षा है एक नई राह दिखाने की उसके लिए भारत को तैयार करना अपनी विविधता को अपनी एकता का श्रृंगार बनाकर बल के साथ सब प्रकार के जीवन का उत्तम उदाहरण बनकर दुनिया में खड़ा संपूर्ण देश को प्रेम से पुकारता ललकारता हुआ अपनी छत्र छाया में अधिक अच्छे मनुष्य बनकर सृष्टि के साथ कल्याण की राह पर अग्रसर करने वाला विश्व गुरु भारत हमको खड़ा करना है संघ के स्वयंसेवकों की अपेक्षा इसके लिए है और आप सब समाज के लोगों का योगदान भी उसमें संघ चाहता है इस यज्ञ में आपकी भी सबकी संविदा पड़े सारा समाज इसके लिए अग्रसर हो तो भारत का भाग्य बदल जाएगा वो भाग्य बदलना है वो भारत की आवश्यकता है वो समय की विश्व की आवश्यकता है और इसलिए भ्रांति जनमन की हटाते
क्रांति का संगीत गाते, एक के दशलक्ष होकर कोटियों को है बुलाते। इस पद्धति से हमको आगे बढ़ना है, क्योंकि तुष्ट माँ होगी तभी तो विश्व में सम्मान पाकर बढ़ रहे हैं चरण गणित। बस इसी धुन में निरंतर भारत माता की जय। शारदीय दुर्गा पूजा पाई उत्सव मुखर परिवेश पुरपल्ली। आज विजयादशमी में पारंपरिक रीतिनीति चली पूजार्चना, माँ का पाई सबुठ हो स्वतंत्र व्यवस्था। आज हूँ पवित्र विजयादशमी, असत्य उपरे सत्य और पाप उपरे पुण्यर विजयर स्वरूप होउछि विजयादशमी। आज महिषासुर को बद्ध करिवे माँ दुर्गा। माँ जगजननी को आगमन रे गाँ ठू सहर सबुठ उत्सवर माहौल, पारंपरिक रीतिनीति अनुजाई चली पूजार्चना। तो राजधानी भुवनेश्वर एवं कटक रे पूजा केते बाट आगेलानी, एवं खास करी पूजा मंडप गुड़िक वर्तमान चित्र कौन इन अधिक सूचना पे राजधानी अच्छे प्रतिनिधि स्वप्नांजलि अच्छा, एवं कटक अच्छे प्रतिनिधि विश्वजीत दास। स्वप्नांजलि प्रथम आपण पाक जावाक चाहिए, राजधानी आपण केउ पूजा मंडप अच्छा, विजयादशमी से कौन स्वतंत्र रीतिनीति अनुसार पूजा करूजा केते बाट आगेला। तो स्वप्नांजलि पाखक जावा कि पूर्व कटक आपन को नहीं चलु विश्वजीत दास। अच्छा विश्वजीत, कटक क्यों दुर्गा पूजा मंडप अच्छा सेठे विजयादशमी माहौल कौन चित्र कौन? निश्चित भाव अपूर्व, आज हूँ कोरोना कटका भितर आज दशहरा शेष हो, अर्थात आज हूँ विजयादशमी। मुँ रही कटक प्रोफेसर पड़ा सगड़िया साहि आपण प्रथम दृश्य देख मंडपर माँ को मूर्ति आग देखि दिंतु, कारण आज हूँ शेष पूजा एवं शेष पूजा आज माँ का पाखे अपराजिता पूजा कर सहित दही पखाड़ भोग रही सिंदूर खेल परंपरा रही। निश्चित भाव में जेहेतु आज सरुची माँ का पूजा, निश्चित भाव में चलचंचल तो मंडप किंतु भक्त एवं सीमित संख्यक पूजा अर्चना लोक नहीं पूजा अर्चना करा गोटे दुख रही मंडपर कर्मकर्ता मान पाखे इन्हें अधिक आलोचना करें सहित मंडपर पूजारी जोड़ी सर आज कि रही पूजा अर्चना और कौन कौन पूजा आगे आगे आज पूजा रही माँ को दशमी विहित पूजा, अपरता पूजा, निमल्यवासिनी पूजा, महादेव पूजा, आ सिंदूर खेल जो पूजा, अन्नपूर्णा पूजा, तदमपुर अपरिता पूजा, तापर विसर्जन और दही पका भोग विसर्जन ये सब। अपूर्व जहाँ शुणुले आज अपराजिता पूजा कर दही पखाड़ भोग रही सहित जो रही सिंदूर खेल परंपरा रही दशमी सिंदूर खेल परंपरा रही है और चंडीपाठ शेष करा सहित माँ को विसर्जन आज रही आसंता का माँ मेलाणी ने पुणी गोटे वर्ष अपेक्षा करा पड़ो जेहेतु गोटे कटका भितर चलित बर्ष पूजा अर्चना करेतु आज विजयादशमी रही। विजयादशमी अर्थ होची पाप उपरे विजय, पाप उपरे पुण्यर विजय एवं असत्य उपरे सत्यर जय, ए सब होची विजयादशमी। एवं आज जेहेतु पीठ से महिषा मर्दिनी बेश ने चंडी मंदिर ठूँ आरंभ कर गड़चंडी आज हूँ माँ का पाखे महिषा मर्दिनी बेश रही। आपण जानते कटक हूँ गोटे संस्कृति परंपरा सहर जो दशहरा आसे उत्सव मुखर हुए कि चलित थर जो कटका रही सरकार गाइडलाइन रही सरकार गाइडलाइन अनुसार सब पूजा मंडप एथक रीतिनीति अनुसार पूजा अर्चना करदिबा कटका रही लोक आसीपर दर्शक भगवान को देखा देखिपर नहीं कि रीतिनीति परंपरा जो पूजा अर्चना से कौन प्रकार आँच आसी ना जेहेतु समस्ते प्राधान्य देते कि पूजा अर्चना ठीक हम से अनुसार आज शेष हो दशमी आज रही दशमी आज शेष हो किसी समय अपेक्षा जो अपराजिता पूजा कर माँ का पाखे अपराजिता पूजा सरला माँ का जो रीतिनीति अच्छी से अनुसार सिंदूर खेल जो सधवा महिला मैंने अच्छा से मैंने माँ का पाखे माँ का सहित सिंदूर खेलिए सहित सब पूजा संपन्न कर सहित विसर्जन अपूर्व। ओके तमें भद्रक नहीं चलाउ दीप्ति रंजन साहू अच्छा भद्रक प्रतिनिधि, भद्रक चित्र देखिए आमको दीप्ति भद्रक क्यों पूजा मंडप अच्छा और सेठार पूजार्चना केत बाट आगेला। प्रथम तो आपको शुभकामना जनाऊँ विजयादशमी और कहतु तो भद्रक क्यों पूजा मंडप पूजा कम केत बाट आगेला कौन सब रीतिनीति अनुसार पूजा कर? निश्चित पूर्व आपको भी विजयादशमी अनेक अनेक शुभेच्छा और अभिनंदन।
आम अच्छे संध्या नीलकंठपुर पूजा मंडप ठार आपको दृश्य देखा चाहिए प्रथम माँ से मुन्नय मूर्ति देखिए जेहेतु विजया दशमी में माँ पूजा अर्चना करीतनीति अच्छी आम नना जो पूजक जो अच्छा पचारि बुझा किपर भाव में पूजा अर्चना करूँ माँ जो मुन्नय मूर्ति रही है आप देखिपे किपर सुंदर भाव में सजा जाइए केवल जेहेतु कोविड कटक भितर पूजा अर्चना करपाई ना सेपरी भाव सजसजा अच्छी ना बाण एवं जो माइक बाजार जा रही सब प्रकार बंद कटक लग रही केवल माँ मुन्नय मूर्ति पूजा अर्चना करम पाखे नना अच्छा पचारे आज विजय दशमी में कौन सब रीतनीति अनुसार पूजा अर्चना करना कौन सब रीतनीति अनुसार आज पूजा अर्चना करजय दशमी आज हूँ जगज्जनी माँ दशहरा पर्व ये दशहरा पर्व आम प्रथम सतटा कोड़े मंडप को आसलु माँ नीति पूजा मंगल आरती सारू तापर दशहरा पूजा आरंभ है दशहरा पूजा समापन पर आम अपराजिता पूजा कराला अपराजिता समापन अपराजिता पूजा समापन होपर आमर कंकण देवी को प्रदान करागला तापर भोग आलती कर संपादन करम आज आज जो माँ जो रही था जो विसर्जन कार्य आज्ञा आज भी विसर्जन कराब देवी निश्चित भाव में अपूर्व आप शुणीपे जेहेतु माँ आज रही जो विजया दशमी अपराजिता पूजा करा जाए था माँ आज विजया दशमी विजय लाभ कर असत्य उपर सत्यर विजय होतीपाई आम पूजा कमिटी अच्छा सदस्य कतर प्रतिक्रिया ना किपर भाव से पूजा अर्चना करज्ञा कौन कहे किपर भाव में जो गत दुई वर्ष धरी आम देखिपु जेहेतु कोविड कटक भितर आप प्रशासन कटक भितर पूजा अर्चना करपर भाव में एथर सजा सजा कर निश्चित भाव में आम प्रशासन कटकणा को संपूर्ण भाव में मानि ये दूरता सामाजिक दूरता ये सब से भाव सात जन सर्वाधिक सात जन सदस्य को लेकिन पूजा कराऊँगी पूजक तारी भितर आठ बंगीय मतर पूजा कराए आज दशहरार जो महाउत्सवर महा आनंद उल्लास पर्व अति निराडम्बर भाव में कोविड नियम को मानि आम पालन करुच्छू जोटि ये अनेक कार्यक्रम होता है दशहरा सिंदूर खेल ये सब विभिन्न प्रकार थाए कि ए बर्ष कौन सी व्यवस्था से भली करा जाऊ नहीं समस्त को आम बारण करूँ जे दूरे रे कोविड नियम को ठीक भाव मानिक पालन करवा निश्चित अपूर्व देखि सबुठी सामान चित्र सामान कथा जेहेतु कोविड कटक लगा कर जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार पक्षर से कोविड कटक भितर पूजा अर्चना करूँ देखु निडाबर धूप दीप एवं नैवेद्य पूरा प्रकम्पित हो उठू मंडप जेहेतु जो माँ जो रही विजया दशमी रीतनीति अनुजाई पूजा अर्चना करम पाखे आउ किसी अच्छा प्रतिक्रिया ना श्रद्धा मैंने भी आसुँच जेहेतु गत वर्ष दर्शन कर पार ना एवर्ष माँ कौन कह आर वर्ष दर्शन कर पार ना वर्ष आसिक दर्शन करुशी लगुच आंतु दुख लगुच माँ तो छाड़ी आमको चली से दुख लगुच पूजा ईर खूब खुशी लगुच खुशी लगुच चलते भल निश्चित भाव अपूर्व आउ किसी श्रद्धा प्रतिक्रिया ना आज्ञा कौन कहे आपन को माँ कमी लगुच गत वर्ष दर्शन कर पार ना वर्ष पाखे आसिक दर्शन भी तो लगुच आज विदय होती तेनाली दुख भी लगुच जो परंपरा रही है पालन करम डिस्टेंस रखा कथा से रखिक पालन कर निश्चित भाव में अपूर्व आप देखिपे कहीं जो माँ आज विदाय ने सत से मन मन दुख रही बंगीय परंपरा अनुसार भद्रक विभिन्न पूजा मंडपे वर्तमान विजया दशमी पूजा आगे चलिए स्वप्नांजलि अच्छा प्रतिनिधि राजधानी भुवनेश्वर स्वप्नांजलि राजधानी क्यों पूजा मंडपे आपंट सेठे पूजा केते बाट आगेला चित्र टी देखा तो देखो अपूर्व आज हूँ विजया दशमी समस्त मनरे उत्साह एवं उद्दीपना रही कहीं माँ आज मेलाणी ने जहाँ चित्र आम आज आपको देखूँ जो आम राजधानी भुवनेश्वर गंगानगर पूजा कमिटी अच्छू जो वर्तमान 108 दीप प्रज्वलन हम कहीं माँ आज विदाय ने माँ आज मेलाणी ने जो घट पूजा कथा कह जाए जे जो सिंधु नदी एवं नर्मदा गोदावरी गंगा ये पवित्र
ଜଳତୀର୍ଥ ସବୁ ଜାଗାରୁ ଜଳ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ପୁରା ସିନ୍ଧୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଘଟ ପୂଜାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମାଆଙ୍କର ବିଲ୍ୱବରଣୀ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ତାପରେ ସପ୍ତମୀ ଅଷ୍ଟମୀ ମହାନବମୀ ଏବଂ ଦଶମୀ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଜି ହେଉଛି ସେହି ପବିତ୍ର ମହାଦଶମୀ ଯେଉଁଠି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ଘଟ ପୂଜା ସରିଛି ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ବିଧି ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି। କାହିଁକିନା ଆଜି ମାଆ ମେଲାଣି ନେବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସେହି ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କୋହ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କାହିଁକିନା ଏଥର କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଭିତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି, ପୂଜା ହୋଇପାରିନି, ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ଅଛି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପୂଜକଙ୍କ ଠାରୁ ଯେ ନନା, ଆଜି ହେଉଛି ମହାଦଶମୀ ପୂଜା, ବିଜୟା ଦଶମୀର ଉତ୍ସବ, କେମିତି କ'ଣ ପୂଜା ଚାଲିଛି ଆଜି? ଆଜି ମା' ଭଗବତୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ମହାଦଶମୀ। ଏ ଦଶମୀରେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଘଟ ପୂଜା କରାଯାଏ, ତାପରେ ଆଧାର ଦେବତା ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା କରାଯିବ, ତାପରେ ମା' ଭଗବତୀଙ୍କର ଦଶୋପଚାର ପୂଜା। ଦଶୋପଚାର ପୂଜା ସରିସାରିବା ପରେ ମା' ଭଗବତୀଙ୍କର ଅପରାଜିତା ପୂଜା କରାଯିବ, ତାପରେ ମା' ଭଗବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ହବନ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋମ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି ତା'ର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି କରାଯିବ। ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ପରେ ମା' ଭଗବତୀର ଆଳତୀ, ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି, ପରିକ୍ରମା ଏସବୁ କରାଯିବ। ଆଜି ବିଶେଷ ଭୋଗ ରହିଛି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଦହି ପଖାଳ ଭୋଗ ହେଉଛି, ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି କ୍ଷୀରି କାକରା ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ବହୁତ ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ହେଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ କୌଣସି ଭକ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ପଠେଇକିରି ଏଠି ଭୋଗ କରିକି ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଦହି ପଖାଳ, କ୍ଷୀରି କାକରା ଏ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରାହେଇକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟା। ମେଲାଣି ନେବେ, ଦଶ ଦିନ ପରେ ମାଆ ଧରାପୃଷ୍ଠ ଛାଡ଼ିବେ, ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ନା ନାହିଁ? ହଁ, କାହିଁକି ନା ଧ୍ୟାୟେ ଦେବୀ ସୁରେଶ୍ୱରୀରେ ନୟନି ର ମହିଷାସୁରଙ୍ଗର ମର୍ଦିନୀ ଶଙ୍ଖଙ୍ଗର ଚକ୍ରଙ୍ଗର ଚତୁର୍ଭୁଜାଙ୍ଗର ବିଭୂଷିତା ପାଶାଙ୍କୁଶାଧାରିଣୀ ସଗତି ସୁଳଞ୍ଚ ମହିନେଙ୍ଗରେ ଜଗଦିତା ର ସିଂହ ପରିଙ୍ଗରେ ଭ୍ରାମିତା ମାତଙ୍ଗର ଶୈଳ ସୁତା ଅସୁର ତଳିନୀ ଅମ୍ବିକେ ଓ ନମାମି। ମା ଭଗବତୀ, ଏ ଆସୂନ୍ୟ ମାସ, ଇଏ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ମାସ ମାଆଙ୍କର। ଏଇ ଯେଉଁ ପାର୍ବଣ ମାସ ସମୟରେ ମା ଭଗବତୀ ଧରପୃଷ୍ଠକୁ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ସକାଶେ ଆଜି ମା ମୃଣ୍ମୟ ମୂର୍ତ୍ତି ହଉ ବା ଦେବ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ସବୁଠି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଘଟ ଯେତେବେଳେ ବିସର୍ଜନ କରାଯିବ, କେତେ ଭକ୍ତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ କାନ୍ଦୁଥିବେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ। ଏଇ 2021 ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଦୁଃଖ ଦେଇଛନ୍ତି, 2022 ମା' ଭଗବତୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖୁ, ଏ ମହାମାରୀ ରୋଗରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କରୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଅପୂର୍ବ, କୋଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ମନ ଦୁଃଖ ରହିଛି, କାହିଁକିନା ମାଆ ଆଜି ମେଲାଣି ନେବେ, ଘଟ ବିସର୍ଜନ ହେବ ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଦଶମୀ ପୂଜା ରହିଛି ତା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ବିଶେଷତ୍ୱ ଏଇଆ ଯେ ଦଶମୀରେ ମାଆ ଅପରାଜିତା ବେଶ ହୁଅନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନେ ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ କିଭଳି ଲାଗିହେବ ସେଥିପାଇଁ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିର ବା ମଣ୍ଡପର ତିନି ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଜଗିଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଇଏ ହେଉଛି ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନର ପରମ୍ପରା, ମାଆଙ୍କ ଯେଉଁ ଆବେଗ ରହିଛି, ଯାହା ଭାବାବେଗ ରହିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆସିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଯାହା ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜଧାନୀ ଏବଂ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରୁ, ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରଦା ପଛରେ ମାଆଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରି ମାଆଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ନିଜର ଦୁଃଖ ଜଣାଉଛି ଭକ୍ତଟିଏ, ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ତ ଯାହା ହେଇଛି ଆଗାମୀ ବର୍ଷକୁ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପୂଜା ପାର୍ବଣ ପାଳନ କରାଯିବ ଏବଂ ମହିଷାସୁରକୁ ଯେଭଳି ବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ସେଭଳି କରୋନା ରୂପୀ ଏହି ମହାସୁରକୁ ମଧ୍ୟ ବଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି, ତା ସହିତ ଦୀପ୍ତି ରଞ୍ଜନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱଜିତ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି, ଯଥାକ୍ରମେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ ଏବଂ କଟକରୁ ପୂଜାର ମାହୋଲ କେମିତି ରହିଛି, ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କେତେ ବାଟ ଆଗେଲାଣି ସେ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ସେପଟେ ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦଶହରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସୁନାବେଶ ବା ରାଜା ରାଜେଶ୍ୱର ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯିବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅବକାଶ ନୀତି ଶେଷ ହେବା ପରେ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ନୀତି କରାଯାଏ। ଏହାପରେ ନୂଆ ଲୁଗା, 32 ମୂର୍ତ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ଲାଗି ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁନାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ମଦନମୋହନ, ରାମକୃଷ୍ଣ ବୀରବେଶ ଧାରଣ କରି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠସ୍ଥିତ ମହାଖଳା ବା ଦଶହରା ପଦାକୁ ବିଜେ କରିବେ।
ସେବଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୁତାବକ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଶେଷ ପର୍ବ ଦଶହରା ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଆଜି ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଦଶହରା ପରଦିନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ। ଧର୍ମମାସ କାର୍ତ୍ତିକରେ ହବିଷ୍ୟାଳୀଙ୍କ ଗହଣରେ କମ୍ପି ଉଠିବା କଥା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ହେଲେ କରୋନା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବ୍ରତଧାରୀମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ନ ଆସିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ପାଇଁ ଗତବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ହବିଷ୍ୟାଳୀଙ୍କ ଲାଗି କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଛି ପୁରୀ ସହର। ଦେଖନ୍ତୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ଥର ପ୍ରାୟତଃ ଚାରି ଥର ଗର୍ଭଗୃହ ଭିତରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବେଶ ଧାରଣ କରି ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ରଥ ଉପରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ ଦିନ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ଭୂଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କର ପାଦ ମାନେ କହିବା ଶ୍ରୀପୟର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀପୟର, ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଳି ଅଛି, ରତ୍ନ ଓଡ଼ିଆଣି, ତ୍ରିଭୁଜ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ କି ହାତ ପାପୁଲି ରହିଥାଏ, ସେଥିରେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର, ରୂପାର ଶଙ୍ଖ ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଚକ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଧରିଥାନ୍ତି। ବଡ଼ ଠାକୁର ହଳମୁଷଳ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଧରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମା' ସୁଭଦ୍ରା ତଡ଼ାଗି ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ରିକା ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି, ସେବତୀ ମାଳି, ବାଘନଖୀ ମାଳି, ହରିଡ଼ା ମାଳି, ବାହାଡ଼ା ମାଳି ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ପ୍ରକାର ମାଳି ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ମଥାରେ ଅଳକା ଲାଗିଥାଏ, ସୁବର୍ଣ୍ଣର କିରୀଟ ଲାଗିଥାଏ, କର୍ଣ୍ଣରେ ତଡ଼ାଗି ଲାଗିଥାଏ। ଏଇଭଳି ଅନେକ ଆଭୂଷଣରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ମହଣ ମହଣ ସୁନା ଯେଉଁଟାକି କୁହାଯାଏ, ପୂର୍ବକାଳରେ ରାଜା ରାଜୁଡ଼ାମାନେ ଦିଗ୍ବିଜୟ କରିକିରି ଗଙ୍ଗାଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିକିରି ଯେଉଁ ସବୁ ସୁନା ହାତୀ ପିଠିରେ ନେଇକରି ଆସିଥିଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ନିଜେ ରାଉତ ଜ୍ଞାନ କରି ନିଜକୁ ମହାପ୍ରଭୁକୁ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜା ଜ୍ଞାନ କରିଥିଲେ, ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଗଢ଼େଇଥିଲେ। ତାକୁ ତଢ଼ାଉକରଣଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଗଢ଼େଇଥିବାରୁ ତାକୁ ବଡ଼ ତଢ଼ାଉ ବେଶ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ରଥ ଉପରେ ଯେଉଁ ବେଶ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ବେଶ ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ, ଭକ୍ତମାନେ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ କେମିତି ଦର୍ଶନ କରି ଆପ୍ୟାୟିତ ହେବେ, ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜର ରାଜା ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରିକିରି ସେଇଗୁଡ଼ିକ ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆଭୂଷଣ କି ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି। ତ ପୁଣି ମାତିଲେ ହାତୀ, ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ କକା ପୁତୁରାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ରେଢ଼ାଖୋଲ ଏନ୍ଏସି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡିମିରିକୁଦା ଗାଁରେ। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କକା ପୁତୁରା ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ହାତୀ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କୁ ଦଳି ଦେଇଥିଲା ହାତୀ। ମୃତକ ହେଲେ ଦୁଶାସନ ଭୋଇ ଓ ଲତିକ ଭୋଇ। ଉଭୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଗାଁରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି। ହାତୀ ଘଡ଼ାଇବା ସହ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କାଲି 4:30 ବେଳକୁ ଦୁଶାସନ ଭୋଇ ଏବଂ ତାର ପୁତୁରା, ଦୁଶାସନ ଭୋଇ କଲେଜରେ ପିଅନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଳି କଲେଜରେ, ତାର ବୟସ 27 ହେଲା, ତାର ପୁତୁରା 5 ବର୍ଷର, ସିଏ ତାକୁ ଧରି ରାସ୍ତାରେ ବୁଲେଇ ଆଣିଥିଲା। ସେ ଟାଇମ୍ରେ ହାତୀ କ୍ରସ୍ କରିଥିଲା, ହାତୀ ସାମ୍ନାରେ ପୋଇଯାଇଛି, ହାତୀ ଦୌଡ଼ାଇଲା, ହାତୀକୁ ଦେଖିନା ସେ ରୋଡ଼ ଉପରେ ଦୌଡ଼ାଇଲା, ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଭାଗୁଥିଲା, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଭାଗିଲାକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କାଳେ ହାତୀ ନାଇଁ ମାରିଲା, ଯାକୁ ସେ ପୁରା ଦୌଡ଼ି ଦେଇଥିଲା 4:30। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ହାତୀ ଏରିଆରେ 2 ମାସ ହେଲାନ, 4-5 ଗାଁ ଦେଇ ସେ ଦଳକମନ, ଧନପଦା, ସାମ୍ପୁଲ, କୀଟନାଳୀ, ଦିଲ୍ଲୀପୁଜା, ଏ 5-7 ଗାଁ ଭିତରେ ହାତୀ 17-18 ଫୁଟ ପୁରା 2 ମାସ ହେଲାନ ହିଁ ରହୁଛି। ଏବଂ ସୁଦ୍ଧା ଚାଷ ବି ଭଲସେ ହେଇନି, ଆଉ ଯେନ୍ ଚାଷ ବି ହେଇଛି ସେ ହାତୀ ଆସିକିନା ପୁରା 2 ମାସ ହେଲାନ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏ ପିଲାର 2 ଜଣଙ୍କର ହାତୀ ଯେଉଁ 17-18 ଫୁଟ ପୁରା 2 ମାସ ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରିବେ ଏରିଆରୁ। ସମସ୍ତ ଅର୍ଗସ୍ ଅପଡେଟ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।